हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन आर्ट। दोस्तों, अगर आप भी WhatsApp के किसी ग्रुप से आने वाले बार बार नोटिफिकेशन से अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, WhatsApp ने एक बहुत ही अच्छा अपडेट लेकर आया है। WhatsApp दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने WhatsApp को प्ले स्टोर में जाके इसे अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के लिए आप प्ले स्टोर ओपन करिएगा। प्ले स्टोर ओपन करके वहाँ पे आप इसे जाके प्ले स्टोर में व्हाट्सअप सर्च करके इसे अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लीजिएगा तो ये फीचर आपको मिल जाएगा। इस फीचर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप मान लीजिए कि कोई ग्रुप आपके पास है, आपके पास तो बहुत सारे ग्रुप होंगे, फैमिली ग्रुप, बिजनेस ग्रुप और भी बहुत सारे ग्रुप होंगे, लेकिन किस कोई ऐसा ख़ास ग्रुप होता है जिससे आप बाहर भी नहीं निकल सकते हैं और उसमें आपको रहना भी ज़रूरी है, उसका मेंबर बने रहना भी ज़रूरी है, लेकिन आप उस ग्रुप से आने वाले बार बार के नोटिफिकेशन से आप परेशान हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप अपना व्हाट्सअप ओपन करिएगा और जिस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको म्यूट करना है उस व्हाट्सएप ग्रुप को, जिस व्हाट्सएप ग्रुप के से आने वाले नोटिफिकेशन को आपको म्यूट करना है उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ऊपर आपको राइट साइड में थ्री डॉट दिखेगी, थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ग्रुप इन्फो का ऑप्शन दिखाएगा, ग्रुप इन्फो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा म्यूट नोटिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें पहले ऑप्शन आ रहा था वन वीक और वन ईयर्स, दो ही ऑप्शन आ रहे थे या तो आप उनको तीन तीन ऑप्शन आ रहे थे, तो वहाँ पे पहले आपको तीन ही ऑप्शन देखने को मिल रहे थे। तीन ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहे थे वो 8 आवर्स और वन वीक और वन ईयर का, तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप ने ये चेंज कर दिया है उसको उसको 8 आवर, वन वीक और ऑलवेज कर दिया है। अब हमेशा के लिए आप उस ग्रुप के नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं। तो जैसे इसको हमें हमेशा के लिए बंद करना है तो ऑलवेज पे इसे टिक लगा देंगे और शो नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो जो नोटिफिकेशन ये बार बार आ रहा था ये नोटिफिकेशन हमारा आना बंद हो जाएगा। तो ये आपके लिए अपडेट है। तो जो लोग ग्रुप के नोटिफिकेशन से परेशान थे तो उनके लिए ये अपडेट है। तो वो सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाके व्हाट्सएप को अपडेट कर लें और उसके बाद अपने व्हाट्सएप में जाके ग्रुप नोटिफिकेशन में जाके इसे आप बंद कर सकते हैं। एक और तरीका है यहाँ पे जाने का, जैसे जिस ग्रुप का नोटिफिकेशन बंद करना है तो उस ग्रुप में चले जाइए और ऊपर उस ग्रुप का नाम लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए। म्यूट नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑलवेज का पहले से ही टिक लगा हुआ है, अभी हमने लगाया था इसकी वजह से ये शो कर रहा है, पर ये ऑन नहीं था। ऑन इसलिए नहीं था कि जो ये ग्रीन नहीं था, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है म्यूट नोटिफिकेशन, इसके सामने जो बटन बना हुआ है ये आपका ब्लू नहीं हुआ था, तो इसका मतलब कि ये अभी स्टार्ट नहीं है। इस पर क्लिक करके और ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब इस ग्रुप में जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो हमें शो नहीं करेगा, जब हम इसमें जाके चेक करेंगे तो उसके बाद हम इस ग्रुप में आए हुए मैसेज को चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ बार बार जो आपको नोटिफिकेशन आ रहे थे ऊपर वो नोटिफिकेशन आपके बंद हो जाएंगे आने। तो इसमें आप एक एक ग्रुप में जाके जिस ग्रुप में नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं, बार बार नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा आपको, तो वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद इस ग्रुप में जो भी मैसेज आएगा डायरेक्ट इस ग्रुप को ओपन करके आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको बार बार नहीं देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो भी अपडेट है। इसके अलावा कई सारे और भी अपडेट आए हुए हैं, जैसे कि आप इसे फाइंड कर सकते हैं, कोई भी फाइल अगर आपको फाइंड करनी है तो उस फाइल को फाइंड कर सकते हैं, वीडियो फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और इमेज सर्च कर सकते हैं, यूआरएल सर्च कर सकते हैं, अलग अलग सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे
तो जिस पर सर्च करना है, वीडियो सर्च करना है, तो वीडियो पे क्लिक कर देंगे तो ये सारी जो वीडियो है वो शो कर जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे आप फिल्टर भी यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट था जो कि आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि आप भी बहुत सारे ग्रुप में हैं, हो सकता हो कि आप किसी ग्रुप के बार बार आने वाले नोटिफिकेशन से परेशान हो, तो आपके लिए अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।